होंडा तरीका इख्तियार किया गया है सिर्फ इसलिए कि जो इनके जो लीडर्स हैं जिन पे कि सीरियस करप्शन के चार्जेस हैं कन्विक्शंस हैं उनके लिए कोई फायदा हासिल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ऐसा होने नहीं देंगे। पाकिस्तान के अवाम इंतहाई समझदार बाशऊर लोग हैं जिनकी कि आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो कौमी मफादात के इर्द गिर्द घूमेगी। पाकिस्तान की सियासत जाती मफादात के गिर्द नहीं घूमेगी, जो कि ऑपोजिशन का बुनियादी मकसद है कि वो जाती फवायद के लिए पूरे मुल्क की फवायद को कुर्बान कर दें। शुक्रिया। आपकी हुकूमत सेनेट इलेक्शन तक बरकरार रहेगी, सेनेट इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं? और दूसरा सवाल यह है कि अवाम ये पूछ रहे हैं वज़ीर आज़म और आपके बयान के जवाब में अवाम ये कह रही है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, महंगाई के हवाले से कि क्या मियां नवाज शरीफ को वापस लाने से बाकी चीनी 55 रुपए हो जाएगी या नहीं? देखें, पहली बात तो यह है कि जहां तक के आपने पहली बात की कि सेनेट के इलेक्शंस, अब आपने अपने सवाल में एक ये जवाब दे दिया है कि जो मकसद है ये जो सारा ड्रामा रचाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से उसके लिए उसकी अवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। वो अवाम के लिए ये नहीं कर रहे, वो उसमें एक हिस्सा है कि सेनेट इलेक्शंस बुनियादी मकसद है अपने लिए जाती मफादात, चाहे वो जितने भी इनके आप खड़े हो सारे नैबजदा कन्विक्टेड लीडरशिप जिनको के 40-50 साल का चांस मिला हुकूमत करने का, उस दौरान में इन्होंने कौन से इस मुल्क में शहद और दूध की नहरें बहा दी। अभी तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमने मुल्क को इदारों को दोबारा खड़ा कर रहे हैं। इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शंस भी होंगे, हुकूमत अपने कामों पे तवज्जो मरकूज किए हुए है। महंगाई मानते हैं कि ये एक सीरियस इशू है और कौन सी सियासी हुकूमत नहीं चाहेगी कि इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, देखें ये एक आर्जी चीज है और इंशाल्लाह ताला, और ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर खुद तो बादशाहों की जिंदगी गुजार रहा है जिस तरह के इस वक्त आपके बैठे हुए हैं नवाज शरीफ लंदन के अरबों के अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, औलाद उनकी उनके पास ही है, यहां पे वो पाकिस्तानी लोगों को झोंक रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के बच्चों को वो झोंक रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक उसका ताल्लुक है आपका दूसरा जो मियां नवाज शरीफ की वापसी से, ये नहीं होगा कि जी कोई मुल्क में चीनी सस्ती 55 पे आ जाएगी जिस तरह आप कह रहे हैं। असल चीज ये है कि हमने उनको वापस लाना है, उनसे पैसे वापस निकालने हैं, उनसे नवाज शरीफ को, और जिस तरह वो मरियम कह रही थी कि इन सबको कि इनको सिक्योरिटी के खतरात हैं, हम इनको बिल्कुल पूरी 200% सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए, कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि ये हिफाजत में रहें क्योंकि इनसे हमने पैसे निकालने हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इनको कुछ हो। सबसे पहले तो जाहिर हम सब पाकिस्तानी है तो हम भी इस बयानी की मुजम्मत करते हैं जो कि साहब ने बात की। और लेकिन सवाल सर मेरा ये, आपने कहा कि अपोजिशन प्रेशर डाल रही है एनआरओ हासिल करने के लिए, लेकिन हमने देखा है सर कि ये लोग जब जेलों में थे तो इनको कहीं ना कहीं से एनआरओ तो मिला कि ये बाहर चले गए, इनको रिलीफ मिला। लेकिन अब क्या गारंटी है कि दोबारा से जब ये प्रेशर डाल रहे हैं तो कोई प्रेशर में आकर दोबारा से इनको रिलीफ नहीं देगा? लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो जिन लोगों ने पहले रिलीफ दिया आज वो जहर भुगत भी रहे, तो उस वक्त फिर प्राइम मिनिस्टर की क्या स्टैंडिंग होगी? क्योंकि पहले भी वो कहते थे कि मैं तो एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन उनको रिलीफ मिल गया।
भी अगर कोई प्रेशर में आके इनको रिलीफ देते हैं तो हुकूमत कहां स्टैंड करेगी? देखें, पहली बात तो ये है कि आप जो वाकया हुआ है उसको आप पसे पुश नहीं डाल सकते। जो मेन इशू है आज का, और वो है जो कल का बयान दिया था ऑपोजिशन के एक रहनुमा ने, वो बयान उसी पे हम बात करेंगे। ये बाकी सानवी चीजें हैं, असल चीज मुल्क है। एक ऐसा बयान दिया है जिसने कि आपने दुश्मन को खुश कर दिया है। आप जानते हैं, मुझे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा बाखबर लोग हैं कि ये जो अभिनंदन का जो बयान आया सादिक ने दिया है, इस पे कौम उनका हिसाब लेगी। और हम चाहेंगे कि अयाज सादिक असेंबली में खड़े होकर माफी मांगे, और इसी तरह जो पीडीएम की जो लीडरशिप है वो भी खड़े होके और अपनी निदामत और उसकी तनकीद और उसकी मजम्मत वो करे और माफी मांगे पाकिस्तानी आवाम से। बिकॉज इससे कम पे हम राजी नहीं होंगे। हमारा अब यही हदफ है कि हम हर उस शख्स को के जो के मुल्की मफादात के साथ खेलता है वो जो है तो अवाम का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। देखें, जहां तक के इस बयान का ताल्लुक है या जो बयान क्वेटा में दिया गया, जो लंदन से तकरीर की गई, ये आईन की आर्टिकल 19 की एक खुल्लम खुल्ला वायलेशन है। और कानून आईन इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर उन्होंने माफी मांग ली, पार्लियामेंट में माफी मांग ली, फिर तो ठीक है। पीडीएम की लीडरशिप ने माफी मांग ली, फिर तो ठीक है। अदरवाइज कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। लेकिन फिर साथ में कोई ये नहीं होगा कि कोई कहे कि जी ये देखें सियासी मुखालफत हो रही है उसमें हम, इन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। इन्होंने खुद आपको अपनी असलियत बता दी है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इन्होंने साबित कर दिया है। बाकी चीजें देखे ना, हम मैं ये कहना चाह रहा हूं एज अ हुकूमत का तर्जुमान होने की हैसियत से कि जो बात हुई है हम इसको बिल्कुल आसानी से नहीं बर्दाश्त करेंगे, न पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त करेंगे। और इनको हिसाब देना होगा, इनको माफी मांगनी होगी, सीधा सीधा माफी मांगनी होगी। इससे कम पे बात नहीं होगी, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। गुलभूषण वाला, ये तो आपने ऐसी बात की है कि अगर गुलभूषण का नाम तो हम इनके मुंह से सुनते ही नहीं थे, शुक्र है कि गुलभूषण का नाम हमने इनके मुंह से सुना है। ये तो आलमी सतह पर भी, लोकली भी कभी गुलभूषण का नाम ही नहीं लेते थे। आज जो है, चूंकि ये एक ऐसी उस पर उतर आए हैं, एक ऐसी गिरी हुई सतह पे उतर आए हैं कि इसमें इस वक्त हर चीज को तोड़ मरोड़। देखें असल चीज क्या होती है, चाहे वो अखबारी जर्नलिस्ट हो या वो कोई भी इंसान हो, उसकी क्रेडिबिलिटी वो कितनी है वो डिपेंड करता है कि उसका माजी क्या रहा है और वो उसका रिकॉर्ड क्या है। ये तो सारे झूठे हैं, ये तो हर बात में अगर झूठा बोले तो इनकी इनको खाना हजम नहीं होता। तो इनकी बातों पे तो आप बिल्कुल उसी तरह तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए आपको, बिकॉज आपका तजुर्बा हो गया है कि इनका कॉल क्या था और इनका फेल क्या था अवाम की खिदमत के उसमें अपने। इन्होंने, आपको पता है जी, किसी दिन हम करेंगे इस पर डिटेल वो कि क्या क्या इन्होंने लूट मचाई है, किस तरह
जमीनों में इन्होंने सड़कें पहुंचा के अपने पानी पहुंचा के वहां पे स्कीमें बनाई, अरब रुपए अरब हा रुपए बनाए, सस्ती जमीनें लेकर कारोबार करते रहे। ये अपनी पावर को इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी जात को फायदा देने के लिए। इनकी सोच ही और इससे आगे जा नहीं सकती। इंटरनेशनल इश्यूज ये तो इनकी सोच से भी बाहर हैं, क्योंकि ये एक नाहेल भी हैं और ये करप्ट भी हैं, और ये साबित हो चुका है। ये कोई एक सियासी मुखालिफत की बात नहीं है। और आखिर में मैं यही बात करना चाहूंगा कि देखें, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी लीडरशिप के पास है कि आपको यकीन है कि वो ईमानदार भी है, वो दलेर भी है, और वो किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं है। ये सख्त वक्त है जरूर, लेकिन आप उन मुल्कों को देखें जिनमें के ये वबा एक तबाही मचा चुकी है, और अल्लाह ताला के फजल से हम इधर फिर भी, हालांकि वो खत्म नहीं हुई है, वो वबा दोबारा उसका एक वो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब नहीं हुई है। महंगाई पे हम काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह हमारे लीडर की, हमारी कैबिनेट की, हमारी नीयतें ठीक हैं, कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन हम जो है इंशाल्लाह ताला हम सही रास्ते पर हैं, और इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। और हमारे साथ ये बात, हमारी हुकूमत की कामयाबी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आवाम की बात कर रहा हूं कि इंशाल्लाह ये जो सख्त वक्त है इसको हम याद करेंगे कि एक वक्त वो भी था और अब एक वक्त ये भी है जो कि खुशहाली का है और एक पुरमन माशरे का कयाम है, जिसमें कि हर जो पाकिस्तानी है वो अपना एक रोशन मुस्तकबिल देख सके। शुक्रिया।